हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं आ गया हूँ एक नया रेसिपी लेकर के, चिकन हरियाली मसाला। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें हमने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमने डाल दिया है अराउंड 100 ग्राम्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 पीसेस ड्राई रेड चिल्ली। ड्राई रेड चिल्ली हल्का सा रोस्ट होने के बाद हमने इसमें प्याज डाल दिया है और अब हम ये प्याज को थोड़ा देर तक भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर येलो ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमको कंटिन्यूसली इस प्याज को भूनना है। चिकन काफ़ी टेस्टी होता है जो कि धनिया और पुदीना का फ्लेवर आता है, तो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार हैदराबादी भी चिकन बनता है, थोड़ा सा रेसिपी का डिफरेंट होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हैदराबादी चिकन भी दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्याज हमारा ब्राउन होने लगा है, अभी अराउंड 70% ब्राउन हो गया है। तो ठीक इसी तरह आपको भी ब्राउन कर लेना है प्याज। ये देखिए ऑलमोस्ट 90% अब पूरा पक गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जो कि हमारा चिकन है 500 ग्राम। हमने 500 ग्राम चिकन बोनलेस लिया था, लेग बोनलेस है। आप चाहे तो इसमें करी कट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो पार्ट चिकन का यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। इसमें चिकन को थोड़ा देर तक इसी तरह से हमको भूनना है, उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। चिकन थोड़ा सा कुक होने के बाद ये हमने डाल दिया है अराउंड 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद में थोड़ा देर तक और इसको भूनना है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है ये चिकन। घर पर आप ज़रूर ट्राई करें इसको। अब हम इसमें जो है सो नमक ऐड कर दिए हैं 1 टीस्पून। स्वादिष्ट अनुसार आपको नमक ऐड करना है। ये हमारा जीरा पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर। नेक्स्ट हमारा ब्लैक पेपर, जो कि 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर क्रश डाला है। हम कभी भी ब्लैक पेपर क्रश ही यूज करते हैं, पाउडर नहीं यूज करते हैं। ये हमारा गरम मसाला 1 टीस्पून गरम मसाला। मसाले डालने के बाद में थोड़ा देर तक इसको भूनना है। आपको स्लो फ्लेम में 7 से 8 मिनट तक इसी तरीके से भूनना है ताकि मसाले अच्छे तरीके से कुक हो जाए चिकन के साथ। ये देखिए हमारा हो चुका है अराउंड 6 to 7 मिनट हमने कंप्लीट कर दिया है भून करके। भूनने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा होगा जो कि है हरियाली मसाला। हरियाली मसाला है हमारा धनिया, पुदीना, टोमेटो एंड ग्रीन चिल्ली। तो हम ये ले लेंगे, इसका पेस्ट बना देंगे। हम मिक्सर में डाल के पानी के साथ इसको पेस्ट बना देंगे। पेस्ट बनाने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में इसको थोड़ा सा भूनना है अराउंड 1 मिनट। उसके बाद में हम इसको कवर करके कुक कर देंगे, ये मसाला मिक्स हो जाए। मिक्स होने तक का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको कवर करके कुक कर देंगे। ये चिकन बनाने के लिए कम से कम हमको 20 to 25 मिनट्स लगता है, क्योंकि इसको कुक करना पड़ता है स्लो फ्लेम में, हमको भूनना पड़ता है ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाए और इनका हरियाली मसाला जो है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो 25 मिनट्स तक मिनिमम लगता ही है इस चिकन को बनाने के लिए। ये हमारा अब कुक हो रहा है, हरियाली मसाला भी इसी में अच्छे तरीके से पक जाएगा। जो हमने पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और टमाटर का जो पेस्ट बनाया है वो अच्छे से चिकन और मसाले के साथ कुक हो जाए। तो हम इसी तरह से इसको छोड़ देंगे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद चिकन आपका कुछ ऐसा दिखेगा। और ये हमारा चिकन हो गया है अब फाइनली रेडी। ये देखिए मज़ा आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।